आपका क्वेश्चन है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y इज इक्वल टू 2, द सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन की कंडीशन। तो ये हमारा क्या होता है, इट्स अ कोलिनियर लाइन, दैट मीन्स यू विल गेट अ सिंगल लाइन, ओवरलैपिंग लाइन्स, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, नाउ तो उसकी कंडीशन हमारी होती है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। नाउ तो इसने देखो एक दे रखा है, एक को हम लिखते हैं इसके हिसाब से, तो ये देखो हमारा क्या आएगा, माइनस फाइव बाई दैट इज इक्वल टू सेवन बाई दैट इज इक्वल टू सी वन। हमारा क्या है, सबको लेफ्ट में लेकर आना है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टू बाई। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसके नीचे वो लिखना है कि इनके रेशियोज विल बी इक्वल, तो वी कैन चेक हियर। तो यहां पर देखो आपका कैसे आ रहा है, ये आपका 10 है ना, ये माइनस 10 है, तो हम 10 को रख के देखते हैं। तो यहां पर हमने 10 रख दिया, फिर 14 रख दिया, तो यहां पर देखो क्या आ गया आपका, माइनस 1/2, यहां पर 1/2, तो दैट मीन दिस इज नॉट योर आंसर सेकंड वन। यहां पर है आपका माइनस 10 और माइनस 14, तो अगेन माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो ये आपका नहीं हो सकता, ये माइनस है, तो सेकंड वाला भी आपका नहीं है। थर्ड वन, तो यहां पर है माइनस 10, यहां पर है 14 और यहां पर है 4, तो ये देखो आपका क्या हो रहा है, माइनस एंड माइनस इज प्लस, ये भी प्लस है लेकिन ये हमारा माइनस हो रहा है, तो दैट मीन दिस इज नॉट योर आंसर फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाला देखो क्या है, 10 माइनस 14 और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस 4, तो नाउ यू कैन सी 1/2 है ना, कट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू अगेन माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 दैट मीन्स इज सेटिस्फाई आवर कंडीशन। तो कौन सा आंसर है हमारा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना।